फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एमसीबी और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है। तो हमारे पास ये एमसीबी और आइसोलेटर दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एमसीबी और आइसोलेटर में क्या क्या अंतर होते हैं, इसको देख के कैसे पहचान कर सकते हैं एमसीबी है या आइसोलेटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एक एमसीबी है और एक ये आइसोलेटर है। ठीक है, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर एक सेम कंपनी के होते तो सेम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक हैंडल है, इसका भी एक हैंडल है। ठीक है, इसी तरह से काम कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, देखने से कैसे पता चलेगा और इनकी क्या क्या इन दोनों के अंदर अंतर है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीबी है ये। ठीक है, इसको देखने के हिसाब से तो आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर एक अलग ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी मिल सकता है एमसीबी के ऊपर, क्योंकि अलग अलग कंपनियाँ अपने मॉडल के हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो अपने हिसाब से इसको डायग्राम को बनाती है। ठीक है, ये डबल पोल की है, यानी कि इसके अंदर दो पोल हैं, तो ये दो पोल का सिंबल बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ कि ये क्या काम करती है। तो ये आपने कुछ इस तरह का सिंबल देखा है इसके ऊपर, एक ये चौरस है और एक ये राउंड में है, गोल है। ठीक है, ये डबल पोल की है, तो डबल पोल इस तरह से होगा, एक सर्किट ये, एक पोल ये होगा और एक ये पोल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एमसीबी होती है जो, वो दो केस में काम करती है, यानी कि दो केस में प्रोटेक्ट करती है। जब मान लो एमसीबी के आउटपुट में ओवरलोड हो जाता है, कोई लोड ज़्यादा हो जाता है, या फिर एमसीबी के आउटपुट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो दो केस में ये ट्रिप करती है। तो जो ऊपर का सिंबल है ये वाला, ये होता है ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड यानी कि ज़्यादा करंट लेना स्टार्ट कर देगी, तो ये जो ये सर्किट है ये इसको ट्रिप करवा देगा एमसीबी को। और जो नीचे वाला सर्किट है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में ट्रिप करती है। मान लेते हैं ये एमसीबी का इनपुट है और ये आउटपुट है, तो यहाँ पे जो फेज़ और न्यूट्रल निकलता है, वो फेज़ और न्यूट्रल आपस में टच हो जाता है, यानी कि शॉर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर क्वाइल होती है, वो इसको ट्रिप कर देती है तुरंत। ठीक है, अगर फेज़ टू फेज़ शॉर्ट हो जाएगा तब भी इसको ट्रिप कर देगी। अगर इसके आउटपुट में लोड ज़्यादा चल रहा है तो वो उसको कुछ टाइम के हिसाब से, जो इसकी रेटिंग होती है, जैसे सी है, कहीं पे आपको जेड मिलेगी, कहीं पे बी या कहीं पे के, वो उसके एक टाइमिंग अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी 32 है, यानी कि सी इसका जो रेटिंग है वो अलग है, और टाइमिंग के हिसाब से होती है सी, और ये 32 इसके एम्पियर हैं, 32 एम्पियर कितने टाइम में जाके ट्रिप करती है, वो उसके हिसाब से ट्रिप करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था एक एमसीबी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्ट करती है 32 एम्पियर तक आपकी ये एमसीबी, अलग अलग रेटिंग के हिसाब से मिल जाती है। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स आइसोलेटर के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आइसोलेटर है ये, इसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है सिंपल सा, मैंने आपको एमसीबी का बताया था। अभी हम बात करते हैं आइसोलेटर की, ये आइसोलेटर है। तो आइसोलेटर के अंदर कुछ इस तरह का सिंबल मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, ये डबल पोल है, तो डबल पोल का आइसोलेटर है, डीपी स्विच इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, डबल पोल, डबल पोल आइसोलेटर 40 एम्पियर। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि इसके ऊपर भी 40 एम्पियर है, यानी कि 40 एम्पियर के ऊपर प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके ऊपर हम 40 एम्पियर तक लोड डाल सकते हैं, उसके ऊपर ये क्या करेगा, अगर हमारे पास इसके ऊपर 41 42 43 44 के आसपास अगर करंट चलता है, तो इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ट्रिप करेगा, ट्रिप नहीं करेगा ये, इसके बाद ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये आइसोलेटर का बिल्कुल सिंपल सा सर्किट होता है, तो ये कोई प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, इसको सिर्फ एक स्विच के इस अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑन और ऑफ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम बात करते हैं इसको देखने से कैसे पता चल सकता है कि ये डीपी स्विच है, ये आइसोलेटर है या एमसीबी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का सर्किट बना हुआ हो वहाँ पे ये एमसीबी है, और यहाँ पे जो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बना हुआ है, जो डीपी आइसोलेटर और ये सिंपल सा स्विच का सर्किट बना हुआ है, वो समझ लीजिए आप, ये आइसोलेटर है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक एमसीबी और आइसोलेटर की पहचान कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अभी आपने पूरा कंप्लीट यहाँ पे देख लिया है। अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सवाल सुझाव है, कुछ समझ में ना आया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन
नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें और हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे इसके पहचान। तो फ्रेंड्स अभी आपने देख लिया कि सिंपल साइज का फंडा था कि कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।